नालंदा में ट्रिपल मर्डर, आरजेडी नेता की हत्या के बदले आक्रोशित भीड़ ने ले ली दो की जान। घटना जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के मगरा गांव की है। दोनों आरोपी मृतक की पहचान संतु मलाकार और रंजन यादव के रूप में की गई। नालंदा में अपराधी पूरी तरह बेखौफ, छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने किया हमला। एएसआई अखिलेश कुमार को मारी गोली। मामला दीपनगर थाना क्षेत्र के महानंदपुर की है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सुधीर कुमार एएसआई से मिले अस्पताल पहुंचे। भोजपुर पुलिस कस्टडी में हत्या आरोपी की मौत, परिजनों ने लगाया मर्डर का आरोप। बता दें कि बीते 30 दिसंबर की रात सब्जी विक्रेता कौशल कुमार की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी राजीव रंजन को पुलिस ने उसे घर से किया था गिरफ्तार। मामला आयर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। कटिहार बारसोई प्रखंड के सदर अस्पताल में चल रहा खून की दलाली का खेल। बेटी यशोदा की जान बचाने के लिए पिता खल्टू नोनिया ने ब्याज पर पैसा लेकर ब्लड खरीदा था। मुजफ्फरपुर समझौता कराकर लौट रही सास को दामाद मुखिया पति चुमन पांडे ने कार से कुचला, मौके पर हुई मौत। साला साली जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। मामला आयापुर थाना इलाके के बैरिया चाणक्यपुरी की है। सिवान अनियंत्रित होकर खंभे से टकराकर गड्ढे में गिरी स्कॉर्पियो, तीन घायल। गश्त कर रहे दरौंदा थाने की पुलिस ने घायलों को दरौंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया। सभी घायल इंडियन ऑयल कंपनी में कार्यरत है। बेतिया में 24 घंटे के अंदर एक महिला और नाबालिग से रेप के बाद हत्या। पहला मामला सौदरा थाना क्षेत्र की है, दूसरा मामला मैनाटार थाना क्षेत्र की है। मंत्री मंजू वर्मा को लगा बड़ा झटका। बेगूसराय के एडीजी प्रथम पीयूष कमल दीक्षित ने खारिज की जमानत याचिका। सुपौल, अवैध संबंध के कारण हुई ट्रांसपोर्टर अनिल विश्वास की हत्या। सुपारी किलर्स ने लिए थे 5 लाख रुपए। गिरफ्तार अपराधी में सुपारी किलर वीरेंद्र मंडल सुपौल के राघोपुर का रहने वाला है। बेतिया में मोबाइल की चोरी में विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक को चाकू मारकर किया गंभीर रूप से घायल। आरोपी फरार। मामला मुसफिल थाना क्षेत्र के मनसा टोला की है।